हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम ऑप्शनल ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं और ऑप्शनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो डुअलिज्म का सिद्धांत है उसे अभी अभी हमने समाप्त किया है। इसके साथ ही जो नियतिवाद, नव नियतिवाद, इस तरह के जो भी सिद्धांत थे, संभववाद, इन सभी सिद्धांतों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपने जो अगला पार्ट है ऑप्शनल ज्योग्राफी का, उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहला है क्षेत्रीय विभेदीकरण यानी एरियल डिफ्रेंशिएशन, दूसरा है भूगोल में अपवादात्मकता यानी एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, और तीसरा है मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो ये देखिए, तीनों टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैंने इन तीनों टॉपिक्स को साथ में रखा है। तो इन्हीं से जुड़े हुए जो अन्य टॉपिक हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इन तीनों को साथ में देखना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम इसका पूरा जो इतिहास है उसे समझ सके। तो देखिए, जब हम क्षेत्रीय विभेदीकरण समझेंगे तो हम समझेंगे कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना की गई तो उससे जन्म हुआ भूगोल में अपवादात्मकता यानी एक्सेप्शनलिज्म का, और जब इसके आगे बढ़े तो मात्रात्मक क्रांति आई यानी कि इसका जो परिणाम हुआ बहुत ही मात्रात्मक क्रांति। तो इस सारे इतिहास को हम देखेंगे जो भूगोल का इतिहास है। आज हम देखिए क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को समझेंगे यानी एरियल डिफरेंशिएशन। तो एरियल डिफरेंशिएशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने जो प्रादेशिक भूगोल पढ़ा है पिछले वीडियोज में, तो जो प्रादेशिक भूगोल को सपोर्ट करने वाला संप्रदाय था वही संप्रदाय है जो क्षेत्रीय विभेदीकरण का भी सपोर्ट करता है, जैसे कि हार्ट शोन है और विडाल डी ला ब्लास है और भी कई सारे ज्योग्राफर्स हैं। तो प्रादेशिक भूगोल का ही सपोर्ट करने वाले लोग क्षेत्रीय विभेदीकरण का सपोर्ट करते हैं। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण की थ्योरी यह कहती है कि जो प्रत्येक क्षेत्र है उसकी अपनी यूनिकनेस होती है यानी उसके अंदर अपनी अलग विशेषताएं होती हैं जो कि अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की अलग विशेषताएं हैं और हरियाणा की अलग विशेषताएं हैं, तो एरियल डिफरेंशिएशन या प्रादेशिक भूगोल को मानने वाले संप्रदाय कहेंगे कि सभी क्षेत्रों का, इस तरह के सभी क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो इसके विरोधी हैं यानी कि ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण की थ्योरी है इसका जो जियोग्राफर्स विरोध करते हैं, उनका ये कहना है कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है इससे किसी मॉडल का निर्माण नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपको एक शहर को बसाने के लिए प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कोई मॉडल चाहिए होगा कि किस तरह से उद्योग धंधे विकसित होते हैं, किस तरह से प्रवास होता है, किस तरह से यातायात के साधन विकसित करने होते हैं। तो इस क्षेत्रीय विभेदीकरण का विरोध करने वाले जियोग्राफर्स का कहना है कि ऐसा कोई मॉडल क्षेत्रीय विभेदीकरण के अध्ययन से यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि भूगोल को एक तरह से एक कंप्लीट रूप में अध्ययन किया जाए और उसके माध्यम से हम एक सामान्य सिद्धांत तक पहुंचे और उस सिद्धांत ऐसा सिद्धांत हो जिसको हम हर जगह लागू कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी स्थान पर यातायात का निर्माण करना है, तो कोई ऐसा सिद्धांत हो जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि विश्व का कोई भी जगह हो वहां पर यातायात का निर्माण कर सकें या यातायात के साधनों को विकसित कर सकें। तो ये बात क्षेत्रीय विभेदीकरण के विरोधी लोग कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्षेत्रीय विभेदीकरण को। हार्ट शोर ने एक बुक लिखी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो ये जो द नेचर ऑफ जियोग्राफी है, इसके आने के बाद इस ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण की थ्योरी है ये जोर पकड़ने लगी और इस पे बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। तो देखिए, ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण की थ्योरी है, कहीं ना कहीं जो हमारा संभववाद का सिद्धांत है जिसका विडाल डी लाब्राश बहुत बड़ा समर्थक था, उसी से निकल के आई है। क्योंकि जो संभववाद का सिद्धांत है वो मानता है कि जो मानव जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र पे प्रभाव डालता है, उसमें परिवर्तन लाता है, और जो मानव की सभ्यता है वो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है। यानी कि मानव की अगर सभ्यता बहुत ज्यादा उन्नत है, उसका तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो फिर वो पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज में इसराइल के एग्जाम्पल से बताया है। तो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है और इस क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन ही प्रदेश विज्ञान है, ऐसा कहा जाता है क्षेत्रीय विभेदीकरण के अंतर्गत। यानी कि जो प्रत्येक क्षेत्र है वहां पे अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इन्हीं का अध्ययन करना भूगोल है। तो भूगोल को अनूठा और विशिष्ट वर्णीय विषय कहा गया, क्योंकि देखिए भूगोल को अनूठा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें स्टेब्लिश्ड नियम होते हैं। अब जैसे कि अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़े तो जो उसके नियम हैं वो हर जगह लागू होते हैं, लेकिन भूगोल के विषय में कहा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग नियम लागू होंगे, यानी कि जैसा वहां का विकास होगा उसके अनुरूप ही उस क्षेत्र में आपको अलग अलग विशेषताएं दिखाई देंगी। तो यानी कि कोई एक नियम हर जगह पे लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा भूगोल के विषय में कहा गया। और ये कहा गया कि भूगोल एक अनूठा और विशिष्ट वर्णीय विषय है।
तो क्षेत्रीय विभेदीकरण का जो सिद्धांत है वो बहुत पहले से फेमस था, और जो स्ट्रैबो है वो कहता था कि प्रादेशिक भूगोल जो है वो भौगोलिक अध्ययन की कोर है, यानी कि भूगोल का अध्ययन करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रादेशिक भूगोल। तो देखिए सीधे सीधे यूपीएससी ने इसी बात को उठा के क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर दिया था कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रादेशिक भूगोल है वो भौगोलिक अध्ययन की कोर है। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रादेशिक भूगोल का वर्तमान में क्या रिलीवेंस है, यानी क्या महत्व है, कि अगर जो हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो क्या वर्तमान समय में प्रादेशिक भूगोल का कोई महत्व है या नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, और यूपीएससी अक्सर जो है प्रेजेंट में क्या रिलीवेंस है इस चीज पे क्वेश्चन पूछ देती है। तो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है, यानी कि एक जो पूछा जा चुका है और जो दूसरा आने की संभावना है, इन दोनों के विषय में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। तो फिलहाल अभी हम इस टॉपिक में ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत था, मात्रात्मक क्रांति जब आई उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 1960 के दौरान लगभग मात्रात्मक क्रांति हुई, और उस समय खूब मॉडल रचे जाने लगे और खूब सारी एनालिटिक्स होने लगी और सांख्यिकी का प्रयोग होने लगा भूगोल में, यानी कि ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत था ये धूमिल पड़ गया। लेकिन 1980 आते आते यानी 1980 में फिर से ये सिद्धांत जोर पकड़ने लगा, जो क्षेत्रीय विभेदीकरण का हमारा सिद्धांत है ये जोर पकड़ने लगा। और देखिए इसके अंतर्गत जो है तीन नए स्वरूप इसने लिए। एक तो इसकी व्याख्या जो है क्षेत्रों की व्याख्या मानवतावादी आधार पर होने लगी, दूसरा जो क्षेत्रों हैं विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या होने लगी, वहां पे जो श्रम विभाजन पाया जाता है, और तीसरा वहां पे जो प्रासंगिक सिद्धांत है उसके आधार पर इनकी व्याख्या होने लगी, यानी विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या के लिए ये तीन आधार क्रिएट किए गए। तो अब हम इनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो मानवतावादी व्याख्या थी, यानी किसी क्षेत्र को जो मानवतावादी आधार पर जो व्याख्या की जाती थी, उसके अंतर्गत ये बताया जाता था कि किसी क्षेत्र में ऐसी कौन सी सामाजिक विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक विशेषताएं हैं जो उसे यूनिक बनाती हैं, बाकी क्षेत्रों से अलग बनाती हैं, यानी किसी क्षेत्र में जो सामाजिक और ऐतिहासिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता था मानवतावादी दृष्टिकोण द्वारा, जब क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन किया जाता था, भूगोल का अध्ययन किया जाता था। और देखिए श्रम विभाजन के अंतर्गत कैसे अध्ययन किया जाएगा, यानी कि भूगोल की व्याख्या श्रम विभाजन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या कैसे करी जाएगी। तो मान लीजिए कि दो समाज हैं, दोनों ही कृषि प्रधान हैं, यानी जीविका का प्रमुख साधन दोनों में कृषि है। अब मैं भारत के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि जैसे कि भारत में जो जाति प्रथा है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, तो ऐसे में मान लीजिए एक समाज है जिसमें एक विशिष्ट वर्ग के पास ही सारे संपत्ति है, यानी कि जितनी भी भूमि है, कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस पे केवल उच्च वर्ग का कब्जा है, और वहीं दूसरा कोई समाज है जहाँ पे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकार ने वहां पे कोई इनिशिएटिव लिया या अन्य कारणों से, जो भूमि है वो लगभग लगभग सभी वर्गों के पास बराबर रूप से उपलब्ध है, यानी कि जो संसाधन है उनका वितरण समान है। तो देखिए एक स्थान पे जो आप श्रम विभाजन देखेंगे वहां पे वो श्रम विभाजन बड़ा ही अजीब किस्म का होगा, यानी कि वहां पे एक वर्ग तो ऐसा होगा जो सारे संसाधनों का उपभोग कर रहा होगा, और दूसरा वर्ग ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा कष्ट की स्थिति में होगा और सदैव मजदूरी के कामों में ही उसे लगना पड़ता होगा, और उसी को जो है गाँवों को छोड़कर शहर की ओर जाना होता होगा। तो एक तरह से जो श्रम विभाजन है उसका अध्ययन करना, और इसके साथ ही देखिए प्रासंगिक सिद्धांत क्या है। प्रासंगिक सिद्धांत का मतलब है कि देखिए एक जो क्षेत्र होता है या एक जो प्रदेश होता है वो किसी मानव और वहां पे जो एक तरह से सामाजिक तंत्र उत्पन्न होता है, मानव और सामाजिक तंत्र के बीच में क्षेत्र एक कड़ी के रूप में होता है। तो इस ये जो प्रासंगिक सिद्धांत है इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किसी क्षेत्र ने वहां पे जो समाज का निर्माण हुआ है उसमें क्या भूमिका निभाई है, तो इसको कहते हैं प्रासंगिक सिद्धांत। तो अब बात करते हैं आंसर्स की। तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ चुकी है कि जो भौगोलिक अध्ययन है उसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है वो कोर है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो देखिए इसका आंसर लिखते समय आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय विभेदीकरण का मूल सिद्धांत है, यानी कि जो कोई भी प्रदेश होता है वो मानवतावाद के आधार पर भी अलग अलग उनमें विशेषताएं होती हैं, यानी कि वहां की जो सामाजिक और ऐतिहासिक विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसी तरह से वहां पे श्रम का विभाजन अलग अलग होता है, और इसी तरह से जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका वहां के सामाजिक तंत्र पे भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से आप ये लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही देखिए अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये वर्तमान में क्या उपयोगिता है क्षेत्रीय विभेदीकरण की, इसमें भी लिखा जा सकता है। तो देखिए हमने देखा कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग समाजों का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है क्षेत्रीय विभेदीकरण के अंतर्गत। तो जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत उस समाज में जो धर्म का विकास हुआ है, जो आस्था का विकास हुआ है, नैतिकता है, वहां के जो जीवन मूल्य हैं,
इन बातों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। जबकि देखिए जो मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत मॉडल का निर्माण हुआ उनके अंतर्गत इन चीजों को स्थान नहीं मिलता, यानी कि जो विभिन्न मॉडल्स होते हैं जैसे क्रिस्टॉलर का मॉडल, वेबर का मॉडल, तो इन मॉडल्स में धर्म है, आस्था है, नैतिकता है, जीवन मूल्य है, इनको स्थान नहीं मिलता है, और क्षेत्रीय विभेदीकरण में इनको स्थान मिलता है। तो अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है भारत देश में, तो अब क्या स्मार्ट सिटी को केवल मॉडल के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है, या इसमें धर्म जो है, आस्था जो है, लोगों की जो जीवन मूल्य है उनका भी स्थान होगा? तो निश्चित रूप से जो ये चीजें हैं आस्था वगैरह इनका भी स्थान होगा। तो कैसे होगा? अब ऐसे समझिए कि अगर एक स्मार्ट सिटी में मान लीजिए कि जो धर्म स्थल है वो ना हो, या फिर जो थिएटर इत्यादि जो चीजें होती हैं वो ना हो, तो क्या फिर वो सिटी जीवंत रह जाएगा? यानी वहां के लोगों का फिर देखिए जीवन जो है थोड़ा सा दुष्कर होने लगेगा, क्योंकि हमने जो आस्था है, जो धर्म है, जो वहां की नैतिकता है, इन चीजों की अनदेखी कर दी। तो एक तो आप ये एग्जाम्पल बता सकते हैं कि देखिए किसी भी एक तरह से प्लानिंग में जो वहाँ के लोगों की धर्म आस्था ऐसी जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। फिर देखिए एक अगले एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अब मान लीजिए भारत के ही दो शहरों की मैं बात करता हूँ, वाराणसी और कानपुर। तो अब देखिए अगर आपको वाराणसी और कानपुर दोनों में विकास के लिए मान लीजिए आपको समग्र एक विकास का मॉडल चला रहे हैं, या एक आपने प्लानिंग की है कि वाराणसी और कानपुर दोनों का विकास करेंगे, तो अब जब वाराणसी और कानपुर के विकास की बात आएगी, क्या दोनों में एक ही मॉडल को लागू किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से दोनों में एक मॉडल को लागू नहीं किया जा सकता है, दोनों क्षेत्रों के अलग अलग अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब देखिए वाराणसी में जो उद्योगों की संभावना है वो किस तरह की है, देखिए वाराणसी का आप जानते हैं कि जो वस्त्र उद्योग है, जो हैंडीक्राफ्ट है, इस तरह की चीजें बहुत फेमस है, तो वहां पर ये जो उद्योग है उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। जबकि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में आप देखिए चमड़ा है, केमिकल है, इस तरह के उद्योग ज्यादा फेमस है। अब मान लीजिए अब दोनों ही जगहों पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसके लिए मेट्रो का विकास किया जाना है, तो मेट्रो का विकास जो वाराणसी में होगा वो देखिए प्रमुखता देगा टूरिस्ट प्लेसेस को, क्योंकि वाराणसी की जीविका का जो मुख्य साधन है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और वहीं पे जो कानपुर होगा वहां पे औद्योगिक स्थानों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको जोड़ा जाएगा मेट्रो के द्वारा। इसी तरह से मान लीजिए अब दोनों ही स्थानों पे यानी वाराणसी और कानपुर में हमें जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है, यानी जो पर्यावरण की खराब होती हालत है उसका संरक्षण करना है। तो देखिए वाराणसी के का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि वहां पे जो धर्म आस्था इस तरह की चीजें हैं वो प्रदूषण का बड़ा कारण है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे मूर्ति विसर्जन होता है और फिर जो एक तरह से दाह संस्कार वगैरह होता है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्षति हो रही है। जबकि कानपुर में जो समस्याएं वो बिल्कुल अलग हैं, यानी कि जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये सारी चीजें देखिए आपको दिखाती हैं कि क्षेत्रीय विभेदीकरण करना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी विकास करने के लिए हमें एक मॉडल की निश्चित रूप से आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं उनका भी अध्ययन किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अब मैं आपको देखिए दो और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा इसी तरह के जो विश्व के लेवल के हैं। तो देखिए ये जो एग्जांपल है इसे मैंने एक अर्थशास्त्री हैं, शायद आप जानते होंगे, रुचिर शर्मा, तो उनकी बुक से लिया है, द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन उनकी बुक है, तो उसमें उन्होंने भौगोलिक स्थान करके एक चैप्टर ही पूरा लिखा था, उसमें इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जो हमारे वैकल्पिक भूगोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अच्छे से मिल जाते हैं। तो देखिए उन्होंने बताया कि जो मोरक्को है और जो ट्यूनिशिया है दोनों में निर्यात के केंद्र बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी में ऐसी जगह पे स्थित है कि यहाँ पे जो निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और देखिए मोरक्को जो है वो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से भी जोड़ रहा है। तो इस तरह से मोरक्को और ट्यूनिशिया इन दोनों ही देशों में और लीबिया में भी, इन सभी देशों में एक तरह से जो व्यापार का केंद्र है वो बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन मोरक्को जो है धीरे धीरे अपने को निर्यात का केंद्र बना रहा है, यानी कि एक निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जबकि ट्यूनिशिया में आंतरिक अशांति है जिसके कारण से वहां पे ये विकास नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है हमारी क्षेत्रीय विभेदीकरण की यहाँ पे भी लागू होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग सभ्यताएं हैं, जो वहां पे शांति की स्थिति है, इन सब कारणों से जो वहां पे संभावनाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, भले ही दोनों क्षेत्र एक समान हो। यानी कि अगर दो क्षेत्र एक ही समान है, वहां की क्लाइमेट एक जैसी है या उनकी भौगोलिक स्थिति एक जैसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगहों पर विकास भी एक ही समान होगा। तो इसीलिए क्षेत्रीय विभेदीकरण जरूरी है। इसके साथ ही देखिए दुबई, हम सभी जानते हैं कि दुबई बहुत ही एक विकसित जगह है, एक विकसित देश है। तो देखिए जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन सब में दुबई ने जो करके दिखाया बाकी देश नहीं कर पाए। तो इसके पीछे क्या कारण है कि दुबई इतना विकसित हो सका?
तो देखिए दुबई ने क्या किया कि आप जानते हैं ये जो गल्फ कंट्रीज का रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से तनाव की स्थिति बनी रहती है। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान जो है इनके बीच में लगभग हमेशा ही तनाव की स्थिति रहती है। तो ऐसे में दुबई ने अपने को इन सारी तनाव की स्थितियों से दूर रख लिया और उसने अपने यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया। यानी कि वहां पे आने वाले लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो दुबई है वहां पे वो सुरक्षित है। और इसी के साथ उसने अपने यहाँ एक ओपन कल्चर को एक तरह से बढ़ावा दिया कि जो एक ओपन कल्चर होता है यानी कि लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, तो उसको भी दुबई ने बढ़ावा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए जो आसपास रिच कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह है, यहाँ के बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे दुबई में। और इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने होटल्स वगैरह स्थापित करना शुरू कर दिया इसी कारण से दुबई में, और दुबई फिर एक व्यापार का केंद्र भी बन गया। और इन सभी चीजों के चलते देखिए जो दुबई है जो कि एक डेजर्ट है उसने इतना विकास कर सका अपना। तो देखिए अब हमें अगर इस चीज को समझना है तो ये चीज हम तभी समझ पाएंगे जब हम दुबई का अलग से अध्ययन करें, यानी क्षेत्रीय विभेदीकरण के आधार पर जब हम दुबई का अध्ययन करेंगे तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। यदि हम इसको एक जनरल उसमें देखेंगे यानी कि सारे रेगिस्तान के ऊपर हम एक ही मॉडल लागू करेंगे, जितने भी डेजर्ट होते हैं उन पर अगर हम एक ही मॉडल लागू करेंगे तो फिर हम दुबई के विकास के जो कारण है उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम इसकी आलोचनाओं को देख लेते हैं, यानी जो क्षेत्रीय विभेदीकरण की थ्योरी है इसकी आलोचना किन आधारों पर होती है। तो देखिए पहले तो कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है इसके अध्ययन द्वारा हम किसी प्रभावी और सामान्यकृत निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। या देखिए आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है इसमें जो मानव की सभ्यता है, जो उसका एक तरह से आस्था है, धर्म है, इन चीजों को भी स्थान दिया जाता है। तो जो आस्था है, धर्म है, इनको देखिए आप एक तरह से डेटा में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि आप सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते इन पे। तो यानी कि आप कोई ऐसा मॉडल नहीं विकसित कर पाएंगे जिससे आप सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचे। इसी के साथ देखिए जब हर क्षेत्र को आपने यूनिक मान लिया, हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो एक क्षेत्र में आपने जो विकास का मॉडल निर्धारित किया उसको आप दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि हर क्षेत्र की जो विशेषता है वो अलग अलग है। तो ऐसे में हम देखिए जैसा कि हम देखते हैं कि जो मात्रात्मक क्रांति है उसके अंतर्गत क्या हुआ कि बहुत सारे मॉडल्स आए, जैसे कि वेबर का मॉडल, क्रिस्टॉलर का मॉडल। तो इस तरह के मॉडलों का विकास क्षेत्रीय विभेदीकरण द्वारा संभव नहीं है, यानी क्षेत्रों के अलग अलग अध्ययन द्वारा इस तरह के किसी मॉडल का विकास संभव नहीं है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है ये हमें किसी सामान्यकृत निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकता है कि उस निष्कर्ष का प्रयोग करके हम जो है बाकी क्षेत्रों में भी विकास कार्य को कर सकें। इसी के साथ देखिए जो क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण भी कठिन है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एक तरह से स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आते हैं। आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है इसके अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी क्षेत्र में जो आर्थिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि अलग अलग विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो अब मान लीजिए वर्तमान जो विश्व है इसमें महिलाओं को रोजगार देने पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो क्षेत्र हैं उनकी जो एक तरह से सांस्कृतिक विशेषताएं रही हैं, जो महिलाओं को लेके अलग अलग धारणाएं रही हैं, जो नैतिकता के पुराने स्तर रहे हैं उनमें देखिए बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। तो ऐसे में क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारित करना कठिन होता है क्योंकि इनमें परिवर्तन आता रहता है, जो क्षेत्र की विशेषताएं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता रहता है। और देखिए आज हमने जिन विशेषताओं को मान के एक क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया है कल वही विशेषताएं परिवर्तित हो जाएंगी। इसके साथ ही देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है उसने आप जानते हैं कि पूरे विश्व को एकीकृत कर दिया और अब पूरे विश्व में काफी कुछ समान सी सभ्यता वगैरह स्थापित हो रहा है। जैसे कि आप वस्त्रों के क्षेत्र में देखें तो देखिए आप जानते हैं कि जैसे कि जीन्स की अगर हम बात करें तो जीन्स देखिए पूरे विश्व में ही लगभग पहनी जाने लगी। तो इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा क्योंकि यूनिकनेस आ रही है विश्व में, तो ऐसे में भी जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है वो बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं रह जाता है। फिर भी क्षेत्रीय विभेदीकरण की जो रिलीवेंस है वो मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।